कोरोना संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी विसात बिछाई जाने लगी है और इसमें सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी। लॉकडाउन जारी है, कोरोना खतरा भी बना हुआ है, फिर भी इन सब के बीच बीजेपी ने सूबे की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिनके ऊपर चुनावी रणनीति की तैयारी से लेकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश के हर बूथ केंद्र पर 7 सदस्यों की एक कमेटी गठित करने के लिए कहा गया है, जिसे सप्तऋषि का नाम दिया गया है। सप्तऋषि क्या है ये हम आपको आगे समझाएंगे। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिशा निर्देश पर पार्टी की बिहार प्रदेश इकाई ने सभी 243 जिलों में चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। बिहार प्रदेश प्रभारी संजय जायसवाल ने तो इन प्रभारियों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तस्वीरें भी साझा की हैं। इस दौरान बिहार चुनाव को लेकर बातचीत हुई। नव नियुक्त जिलों के चुनाव प्रभारियों को अपने अपने जिलों में चुनाव की तैयारी, राजनीतिक स्थिति और आगे की रणनीति पर एक विस्तृत रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को सौंपनी है। ये रिपोर्ट बाद में जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। अब चलिए समझते हैं कि सप्तऋषि है क्या। फिलहाल बिहार में केंद्र की पार्टियों जैसे बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा आरजेडी और जेडीयू से कम है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने बूथ संगठन को भी मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा प्रदेश के सभी बूथों पर 7 लोगों की एक कमेटी गठित करने को कहा गया है। इस बूथ कमेटी को ही सप्तऋषि नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा बिहार की राजनीति को देखते हुए बूथ कमेटी में जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखने के लिए कहा गया है। बूथ कमेटी में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के एक एक प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए कहा गया है। पार्टी ने यह भी निर्देश दिया है कि इस कमेटी में युवा और महिलाओं को भी शामिल किया जाए। इस तरह से बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने की रणनीति बनाई है, क्योंकि बिहार के चुनावी रण में जाति का जबरदस्त खेल होता है। इसके अलावा बिहार में बड़ी तादाद में दलित और ओबीसी मतदाता हैं, जिस पर आरजेडी की पकड़ मानी जाती है। बीजेपी ने बूथ कमेटियों के जरिए इन्हें साधने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अब चुनावी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पार्टी चाहती है कि इन गतिविधियों से कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उन कल्याणकारी योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाया जा सके। बीजेपी के एक्शन प्लान के बाद अब बाकी पार्टियों की रणनीति क्या होगी ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।